दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में अवैध शराब और दूसरे नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम जारी है। आज बुराड़ी विधानसभा की उत्तराखंड कॉलोनी में एक RWA के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का मकसद था अवैध रूप से बिक रही शराब और दूसरी नशे की चीजों का विरोध कैसे किया जाए। इसी मुहिम के तहत पिछले रविवार को बुराड़ी विधानसभा की प्रदीप विहार के पास अमित एक्सटेंशन में मुहिम चली थी, जहां आसपास की सभी RWA ने शैलेंद्र कुमार को अपना मुहिम का अगवा मानते हुए इस लड़ाई में सहयोग की बात कही थी। ये है कि यहाँ पर जो सांसी हैं, लोग शिकायत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं आते थे। एक्साइज डिपार्टमेंट को भी लिखा है, ये तो हमारे शैलेंद्र कुमार जी की मेहरबानी है जिन्होंने इतना काम किया है, बहुत धन्यवाद। आप विधायक जी को तो नहीं करवाया, लेकिन विधायक जी को सोचना चाहिए था। विधायक जी को नहीं बताया हमने, उनको आना चाहिए था लेकिन वो आते बहुत कम है। विधायक तो स्वयं विधायक। इन कॉलोनियों के लोग शैलेंद्र कुमार से जाकर मिले थे और अपनी समस्या बताई थी, उसके बाद उस मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में शैलेंद्र कुमार ने इन लोगों को अवैध शराब के नड्डों से राहत दिलाने का वायदा भी किया था। अभी एक सप्ताह बाद ये दूसरी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सबसे पहले पिछली मीटिंग के मुद्दे पर क्या रहा उस पर चर्चा की गई, क्योंकि ये कॉलोनी भी उसी के पास की एक दूसरी कॉलोनी है। अमित एक्सटेंशन कॉलोनी से भी काफी लोग और महिलाएं इस मीटिंग में आए थे। सभी ने शैलेंद्र कुमार का शुक्रिया किया, क्योंकि इस सप्ताह के अंदर शैलेंद्र कुमार खुद जाकर एक्साइज कमिश्नर से मिले, एरिया DCP से मिले और लिखित में सब चीज की शिकायत की। शैलेंद्र कुमार के हस्तक्षेप के बाद यहां पुलिस ने और एक्साइज विभाग ने मिलकर ज्वाइंट रेड की, जिसमें शराब बेचने वाले अवैध माफिया घर छोड़कर फरार हो गए और उनके मकान को सील कर दिया गया। जी कुछ लोगों को लेकर हमारे कार्यालय में आए थे और बोले थे कि यहाँ सासी का दुकान है, उसको 12 टाके लगे हैं और मोहल्ले में काफी दहशत फैला रखा है सासी वालों ने। तो हमने कहा कौन है, बताया ऐसे ऐसे है। फिर मैं जब यहाँ आया, पिछले रविवार को एक मीटिंग रखे थे तो पूरे मोहल्ले के सभी लोग आए थे और उस मीटिंग में बताया कि मोहल्ले के लड़कियां जब जाती है तो उनको भी छेड़छाड़ करती हैं। मोहल्ले के घर के दो तरफ जो मकान है दो, उन लोगों में से घर के खिड़की खोलना, छत पे जाना, कहीं भी जाना मुश्किल कर रखा है। गालियां देने लगती हैं, मारती भी हैं। इसके पहले भी कई एक लोगों को पैर हाथ तोड़ दिया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं वहां चलूंगा। तो यहां आया, एक छोटा सा मीटिंग किया, उसके बाद एक्साइज कमिश्नर से बात किया, पुलिस के यहाँ के जो DCP है उनसे बात किया, सभी लोगों को पत्र दिया। परिणाम ये हुआ कि पुलिस का वहां गश्त लग गया। अभी भी वहां 4 पुलिस 24 आवर्स रह रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट वाले भी आए, उस घर को ही सासी का ही घर था, वो लोग घर छोड़ के भाग गया, उस घर को सील कर दिया है। तो एक्साइज तो चली गई, सासी भी चला गया। साथ ही तब से लेकर के लगातार वहां पर 4 पुलिसकर्मी तैनात है, ताकि दोबारा से इस तरह से दोबारा शराब का कारोबार शुरू ना हो। अब उस असर को देखते हुए दूसरी आसपास की कॉलोनियों को अभी धारिया बंधा है और उनकी आशा जगी है कि बुराड़ी विधानसभा में दिल्ली JDU के नेता शैलेंद्र कुमार भी उनकी मदद करेंगे और पूरी बुराड़ी विधानसभा को अवैध नशे के कारोबार से मुक्ति दिलाएंगे। इसी के तहत आज फूलबाग उत्तराखंड कॉलोनी में RWA ने मीटिंग की और शैलेंद्र कुमार को आमंत्रित किया गया था। और यहां पर भी कुछ मकान ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ लोग शराब का कारोबार करते हैं, अवैध शराब चरस और गांजे तक की बिक्री की जाती है। स्थानीय लोग विरोध नहीं कर पाते क्योंकि शराब माफिया दबंग है, इसलिए उन्होंने शैलेंद्र कुमार से सहायता मांगी है। शैलेंद्र कुमार ने इस कॉलोनी को भी पूरा भरोसा दिया है और पूरा सहयोग करेंगे। शैलेंद्र कुमार का कहना है कि बस जनता का उन्हें सहयोग मिलता रहे और वो जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देख रहे हैं कि पूरे बुराड़ी में कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां सासियों के दुकान नहीं हो, और उस सासियों के दुकान के माध्यम से गांजा, अफीम, चरस सब कुछ बिकते हैं। अगर हमारा यही स्थिति रहा, हमारा विधायक जी नहीं जागे,
हमारे यहाँ के प्रशासन नहीं जाएगी तो घर घर हर घर में एक दुकान होगा शराब का, और हमारा संस्कार कहाँ जाएगा, हमारी शिक्षा नीति कहाँ जाएगी, हमारा सब कुछ खत्म होकर रह जाएगा। बुराड़ी एक शराबियों के अड्डे, बुराड़ी एक शराबियों का हब के रूप में जाना जाएगा और पूरे दिल्ली से लोग यहाँ शराब खरीदने के लिए आने लगेंगे। और नशा करने की जितनी भी वस्तु होती है जो पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है, चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन, वो सारा कुछ यहाँ मिलेगा और लोग बुराड़ी के तरफ, इस हब की तरफ, इस बाजार की तरफ दौड़े हुए आएंगे और उस दिन फिर यहाँ के लोग जाने को मजबूर होंगे। बुराड़ी विधानसभा की अलग अलग कॉलोनियों से आवाजें उठनी शुरू हो चुकी है और जेडीयू नेता शैलेंद्र कुमार के पास हर रोज अलग अलग कॉलोनी से फोन आने लगे हैं कि उनकी कॉलोनी में भी एक मीटिंग का आयोजन नशे के खिलाफ किया जाए और उनकी कॉलोनी से भी नशा, जुआ, सट्टे जैसे कारोबार को बंद करवाया जाए। बुराड़ी विधानसभा में यदि आप भी इस तरह के नशे के अड्डे से, जुआ, सट्टा, इस तरह का यदि कोई गैर कानूनी काम होता है और आप बेहद परेशान हैं, कानूनी मदद आप नहीं ले पा रहे हैं किसी भी तरह की वजह जो भी हो, तो आप शैलेंद्र कुमार से मदद लेकर के आप भी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए चिंता का विषय है जिस तरह से नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है।